तो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत महादेव के साथ। हर महादेव, मैं हूँ आपका दोस्त कपिल सारस्वत, भरतपुर राइडर। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा फतेहपुर जी का मेला, और अभी हम जा रहे हैं भरतपुर, और पहले रुकेंगे जेल चाय बार, जो कि बहुत ही फेमस है जेल चाय बार। तो वहाँ का ब्लॉग मैंने बना कर डाला था, MBA चाय वाला, जेल चाय बार और कारवा और बहुत सारे रेस्टोरेंट भरतपुर में जो खुल चुके हैं उनका सारा का ब्लॉग बना कर डाला था। पर जो मेरी वीडियो है ना, जो जेल चाय बार की, वो काफ़ी लोगों ने पसंद की। भैया बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छा लगा हमें जेल चाय बार जाके। तो आपको फिर से दिखाते हैं जेल चाय बार, और मिलते हैं सीधे जेल चाय बार पे। तो यहाँ से पड़ेगा करीब फतेहपुर सीख से 25 किलोमीटर। तो जो फ्रेंचाइजी ली जाती है जेल चाय बार की, MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार और बहुत सारे जो चाय ठेका है, तो बहुत सारे जो रेस्टोरेंट चाय के आजकल ओपन हो रहे हैं, तो उनमें यूनिक चीज़ अलग अलग अपनी अपनी डिमांड के अनुसार तो चल रही है। तो अभी हम भगाएंगे, टाइम हो गया 6:30 बज चुके हैं, तो यहाँ से थोड़ा भगा के 7 बजे करीब हम जेल चाय बार पहुँच जाएंगे। तो आपको दिखाते हैं कैसा लोकेशन रहती है, बहुत शानदार रहता है। तो चलते हैं, और भोले बाबा हर हर महादेव, और गाड़ी करते हैं फुर, और सूरज देखिए क्या बढ़िया लग रहा है, शानदार लग रहा है। शाम का माहौल बहुत शानदार लगता है फतेहपुर रोड। तो ये रोड पे ट्रैफिक बहुत कम रहता है जयपुर आगरा वाले पे, और बहुत अच्छी तरह से हमारी ब्लैक पैंथर भागती हुई। तो रोहित मेरे पीछे बैठा हुआ है, रोहित को हवा लग रही होगी, आंसुओं में से आंसू आ जाते हैं इसके, पहले भी आ गए थे। एकदम स्लो पड़ गए, एकदम गाड़ी महंगी 100 पैसे एकदम 80 पे पहुंच गई। मैंने ये क्या हुआ, वाह शानदार लग रहा है यार नज़ारा, तुझे बस देख रोहित सामने, देख सामने सनसेट, सनसेट एक नंबर। मैंने पेट्रोल डलवाया था, पेट्रोल रिजर्व में आ गया, पता नहीं झटकी ले रहे लग गई गाड़ी। बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो ये है मॉडर्न स्कूल, भरतपुर से आगरा वाले रोड पे मॉडर्न स्कूल है, बहुत ही फेमस स्कूल है भरतपुर का। तो काफ़ी अच्छी सुविधाएं यहाँ पे, और भरतपुर का टॉप स्कूलों में नंबर 1 पे आ रहा है आजकल मॉडर्न स्कूल। ये तो TM स्कूल, मॉडर्न स्कूल, सोनी स्कूल, तो इसमें मॉडर्न का नंबर 1st नंबर पे आता है। बहुत ही अच्छा स्कूल है CBSE बोर्ड में। बातों के चक्कर में हमसे स्प्लेंडर आगे निकल गई। तो अभी हम आ चुके हैं भरतपुर में, हमारी एंट्री हो चुकी है, और आपको दिखाते हैं भरतपुर के जो टॉप 5 रेस्टोरेंट है ना, मैं आज उनको दिखाऊंगा आपको, और फिर चलेंगे जेल चाय बार में। तो रोड पे पड़ेंगे सबसे नंबर 1 के एक एक हिसाब से आपको दिखाता जाऊंगा कि कौन कौन से रेस्टोरेंट, अगर आगरा से या भरतपुर की साइड में आ रहे हो तो कौन कौन से रेस्टोरेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मॉडर्न स्कूल निकल चुका है, इसके बाद होटलों की लाइन लग जाती है। नगला कौन सा आ गया, ये सुजान पारुआ। तो यहाँ से होटलों की लाइन लग जाती है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तक आपको होटल ही होटल मिलेंगे। तो करीब 3-4 किलोमीटर और रह गया भरतपुर। तो बहुत शानदार बरसों का ये रेस्टोरेंट होटल है, आप शादियों में बुक कर सकते हो। हाँ कम से कम 1.5-2 लाख रुपए लेते हैं शायद, ये 2 लाख या 2.5 लाख, 3 लाख, पता नहीं कितना लेते हैं। 5 मिनट्स लेटर। तो अगर आप आ रहे हो बरसों के बाद, गीतांजलि होटल मिलेगा आपको, इसके बाद आपको बहुत से चाय के होटल मिल जाएंगे आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ढाबे, होटल, मन्नत होटल, और बहुत शानदार शानदार होटल मिल जाएंगे। तो ये पहले पड़ेगा मन्नत होटल, मैं तो कभी गया नहीं मन्नत होटल ढाबे में, तो काफ़ी अच्छा है। लोकेशन देख सकते हो आप, अगर आप आगरा से आ रहे हो, भरतपुर से आ रहे हो, या फिर कहीं से भी आप जयपुर आगरा हाईवे पे आ रहे हो, तो आपको फैमिली रेस्टोरेंट बहुत सारे अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। और एक ये फैमिली ढाबा छोटा सा, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये भी है। तो एक ये है ठाटवाट, तो पहले अपना ठिकाना हुआ करता था ये, तो कोई छोटा सा है पर कोई ज़्यादा खास नहीं है, आप देख सकते हो। हाँ कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है ये,
इससे जब सबसे बेस्ट मेरे को लगता है ना, वो लगता है कारवां। जो कारवां की डेकोरेशन है वो काफ़ी अच्छी है, एमबीए चाय वाला कारवां और उसके बाद जेल चाय वार, तो इनकी जो डेकोरेशन है काफ़ी एक नंबर। बैठक का भी, पंचायत का भी, जो टॉप रेस्टोरेंट है। और टीलैंड का तो जवाब ही नहीं, टीलैंड सबसे पुराना है यहाँ पे। तो अगर आप आ रहे हो तो टीलैंड का आप चाय नाश्ता टेस्ट करके देखना, बहुत शानदार लगता है टीलैंड का। और एक ये खुला है, कोई नया खुला है सेटिस्फाइड, ये भी अच्छा खुला है, ये भी शानदार बना दिया है। तो ये है टीलैंड, हमारे मीटिंग पॉइंट हुआ करता था यूट्यूबरों का, बहुत शानदार है टीलैंड। तो ओपन कॉफ़ी बार ये भी, और कारवां देखिए, कारवां बहुत अंदर से बहुत ब्यूटीफुल लगता है, ओपन कॉफ़ी बार। तो ये यहाँ के बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट हैं चाय बार के, आप आ सकते हो, यहाँ पे नाश्ता स्नैक सारी चीज़ की सुविधा मिल जाती है। और टाइम हो चुका है, 7 बज चुके हैं और हम रुकेंगे जेल चाय बार पे, चाय पियेंगे फिर वहाँ उसके बाद हम निकल लेंगे यहाँ से। तो एक लाइन में मिलता है एमबीए चाय वाला, तो ये भी अच्छा है, क्रिस क्राफ्ट कैफ़े, ये भी बड़े शानदार बना रखा है। और ये बैठक कैफ़े, बैठक में हमने देखा था, बहुत शानदार बैठक, जो आरडी मल्टीप्लेक्स के सामने है, बस जस्ट बिल्कुल बगल में है बैठक। इसकी भी डेकोरेशन काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, यूनिक। और सूर्या सिटी के जस्ट सामने है ये सारे रेस्टोरेंट। और थोड़ा और आगे जाओगे आप तो आपको एमबीए चाय वाला आ जाएगा, और उसके पास पड़ेगा जेल चाय वाला। तो ये है एमबीए चाय वाले का, शायद यहीं से स्टार्ट, आगे आगे। तो ये है एमबीए चाय वाला और इसके जस्ट बगल में जेल चाय वाला। हाँ, ये है एमबीए चाय वाला और हम लगाते जेल चाय वाले। तो अभी हम रुके हैं जेल चाय बार पे। तो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया तो इसकी वजह से ये चालू कर लिया मैंने चार्ज में लगाना पड़ेगा फ़ोन। अरे साहब, हो गया चालू, स्विच ऑफ हो गया था, क्या हो गया पता नहीं, अभी तो चालू हो रहा है। और हम पहुंच चुके हैं जेल चाय बार में। तो फाइनली हम आ चुके हैं जेल चाय बार पे, और मेरा फ़ोन हैंग हो गया था और बाइक पार्क कर दिया। अभी अंदर चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं लोकेशन, बहुत शानदार जेल चाय वाला लगता है। तो ये अपना जेल चाय कैफे, बहुत ही शानदार लुकिंग आती है, और टोपी पहन के और हथकड़ी लगा के आप जेल की हवा खा सकते हो, पंखे की हवा खा सकते हो, जेल की हवा नहीं, और बहुत शानदार लगता है। म्यूजिक चल रहा है तो ऊपर का ये रहता है सिस्टम, बहुत शानदार लगता है। और पास में एमबीए चाय वाला, और ये देखिए ऊपर बैठने का अलग ही मज़ा आता है ऊपर, जैसे एमबीए चाय वाले के ऊपर का जो लोकेशन है और यहाँ जेल चाय वाले का लोकेशन है, काफ़ी यूनिक है। ये दूसरी फ्लोर पे आता है और शानदार लगता है बहुत ही। और जयपुर आगरा हाईवे, ये देखिए, तो हमारी गाड़ियाँ उधर पार्क हैं और ये लोकेशन लगती है, शानदार लगती है। और पास में एमबीए चाय वाला, लेट गया ये। तो जेल ऊपर भी बनी हुई है जेल, छोटी छोटी सी। तो अभी हम नीचे चलते हैं और चाय का आनंद लेते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। चाय आ चुकी है, चाय का आनंद ले रहे हैं, बहुत शानदार चाय, जेल चाय वाले की। तो टोपी लगा के पुलिस वाले की, और जेल की हवा खा रहे हैं, पंखे की हवा खा रहे हैं, पंखे की। बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठ के, और अच्छा लगा ना, यूनिक जगह है ना चाय। ये तो पहली बार आया है रोहित मेरे साथ, तो पिछले ब्लॉग में हम गए थे फतेहपुर सीकरी, आपने देखा होगा। तो उसके बाद हम लोग गए थे जेल चाय बार, तो काफ़ी रेस्टोरेंट हैं पर जेल चाय बार यूनिक है, कुछ अलग है, जहाँ पे आपको माहौल मिलता है जेल का, पूरा जेल का माहौल मिलता है, और चाय भी शानदार मिलती है। पीते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं सीधे पीछे, पैसे देखे। तुम अपराध कर रहे हो चाय पीने का, इस वजह से तो जेल में हो भाई। अच्छी चाय, बेकार बताओगे तो ये खिड़की बंद कर दी जाएगी। अभी मैंने वो खाया ना, क्या उसके फतेहपुर सीकरी में जो हलवा खाया, मेरे को टेस्ट नहीं आया। मैं उसके मुंह पे कहती भाई बेकार है, अगर बेकार चाय होती मैं बता देता भाई बेकार है। भाई पब्लिक आ रही है तो कम से कम कोई देखे सही, चाय पी के हम दूर बोल रहे हैं कहीं बेकार चाय। ये बलदाव चाय, बलदाव चाय की पीती मैंने चाय, वो भी बहुत शानदार थी बलदाव की। तो भाई साहब चाय पी लिए और यहाँ से निकल रहे हैं। मैंने कैप लगा रखी पुलिस वाली और मैं लेके चल दिया होगा, सर सर मैंने सोची क्या इंटरव्यू ले रहा है कुछ, तो करो भैया कैप रह गई पुलिस वाली। तो अब निकलते हैं, मज़ा आया चाय पी के।
और यहाँ पे सैंडस्टोन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ये केबिन बने हुए पर्सनल रूम के। अब निकलते हैं यहाँ से, तो आई होप आपको यहाँ तक का ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे। जेल चाय वार कैफे, तो निकलते हैं फिर यहाँ से। आ जा रोहित, अरे एम्बुलेंस जा रहे, बैठ रोहित बैठ, बहुत टाइम हो गया, 7:30 बज चुके हैं, तो आज फुल आनंद लिया है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे हमारे। ओ तेरी की।